हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह, डिफेंस गुरु, अ यूनिट ऑफ सेंचुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं मास्टर प्लान टू क्रैक सीडीएस मैथ्स। सीडीएस मैथ्स में जो आईएमए में मैथ्स आती है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और टाइम कितना होता है 2 आवर्स होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100 होते हैं और उसके लिए टाइम कितना होता है 2 आवर्स होता है। जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट सिलेबस है सीडीएस मैथ्स का। तो सीडीएस मैथ्स का अगर हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात करें तो हमने लिखा यहाँ पर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जैसे वी वर्ड मॉस हो गया, फ्रैक्शन हो गया, सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, फैक्टर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन 1 आवर का टॉपिक होता है। कितने आवर का टॉपिक होता है? 1 से लेकर 2 आवर का टॉपिक होता है। सर्ट्स एंड इंडाइसिस 1 आवर का होता है और नंबर ऑफ जीरोज की बात करें ए भी 1 आवर का होता है और फैक्टर की बात करें तो ए भी क्या होता है 1 आवर का होता है। अगर नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट की बात करें सिंप्लीफिकेशन मतलब फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, नंबर ऑफ जीरो और फैक्टर्स, तो इसके जो सेगमेंट ए वाला जो सेगमेंट होता है इसमें 1, 2, 3, 4 लगभग 5 से 6 घंटे आपको टाइम लग जाता है इसको पढ़ने के लिए। 5 से 6 घंटे पहले सेगमेंट में टाइम लगता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ये बच्चों सिर्फ 1 घंटे का होता है। ये बच्चों सिर्फ क्या होता है 1 घंटे का होता है। रिमाइंडर थ्योरम लगभग 2 आवर्स का होता है। और अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करें 2 to 3 आवर्स का होता है, या तो 2 आवर्स का हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा बढ़ गया क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो 3 आवर्स का भी हो सकता है। नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट इज ऑल्सो 1 आवर्स का होता है। तो बच्चों आपके लिए जो सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का पार्ट होता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं आपके एग्जाम में। तो नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, नंबर ऑफ जीरो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ एंड नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने होते हैं। 5 क्वेश्चन 100% आपके आ ही जाते हैं। तो प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इतनी चीज़ें हमें क्या होगा पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आता है पार्ट टू की बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात के साथ हम एज भी पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं पार्टनरशिप पढ़ते हैं। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। पार्ट टू से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। अब आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी हो गया। पार्ट थ्री की बात करें टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टेंट। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टेंट हम एक साथ पढ़ते हैं और अगर इसके नंबर ऑफ टाइम की बात करें तो एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज पार्टनरशिप को पढ़ने में कम से कम 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे पढ़ने में लग जाते हैं। इसे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इसे पढ़ने में। और प्यारे बच्चों अगर हम पार्ट थ्री की बात करें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से 6 से 7 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। कभी कभी ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है, 6 से 7 भी क्वेश्चन हो सकते हैं टाइम एंड वर्क से। यहाँ पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितने घंटे में हम इसे पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ने में हमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। प्यारे बच्चों 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अब आता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे पढ़ने में अगर हम सही तरीके से पढ़ें इसे तो कम से कम हमें 10 घंटे, कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं सिर्फ किसको किसको पढ़ने में, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो प्यारे बच्चों 8 से 10 घंटे इसको लग जाते हैं पढ़ने में, 8 से 10 घंटे इसको सारे सेगमेंट को पढ़ने में लग जाते हैं। अब आता है पार्ट 5, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम। प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें यहाँ से भी क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है,
इसको हमें पढ़ने में लगभग लगभग 8 से 10 घंटे इसको भी पढ़ने में हमें लग सकते हैं, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं इसे कंप्लीट करने में। अब आता है पार्ट 6 एडवांस मैथ। एडवांस अगर हम अरिथमेटिक का ओवरऑल कैलकुलेशन करें, कितने टाइम में हम अरिथमेटिक को अपने कंट्रोल पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, तो ये होता है जैसे अगर पार्ट 1 की बात करें, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 की बात करें, तो लेट से ये कम से कम 6 घंटे ले लेता है। अगर पार्ट 1 की बात करें कम से कम 6 घंटे लगता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर 1 घंटे में हम पढ़ लेते हैं। और अगर रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो ये 3 घंटे लग जाते हैं। अगर हम एलसीएम एससीएफ की बात करें तो ये भी 3 घंटे लग जाते हैं। और नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम 1 घंटे का टॉपिक है, तो कुल मिला के 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 1, 14 लगभग 15 घंटे में, लगभग 15 आवर्स में हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अगर हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो नंबर सिस्टम अगर हम पढ़ाएंगे आपको, कहीं से भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और किसी सिलेबस में भी आप देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको दी नहीं गई होंगी। और लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें जितना मैंने बताया है, ये नंबर सिस्टम किसी सिलेबस में नहीं होता, नंबर ऑफ जीरोज फैक्टर ये किसी बुक में भी नहीं होता, जहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, लेकिन बुक वाले ने बनाया नहीं इसे। तो 15 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम को करने में लगेगा। अब आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, रेशियो प्रोपोर्शन एज और पार्टनरशिप, लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे इसे पढ़ने में, 4 से 5 घंटे आसानी से लग जाते हैं। तो मान के चलो इसे पढ़ने में कम से कम मान के चलो 5 आवर्स में हम पार्ट 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो इसे भी लगते हैं लगभग 5 आवर्स, इसे भी लगते हैं प्यारे बच्चों कितने आवर्स, 5 घंटे। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसे लगते हैं 8 से 10 घंटे, मैंने बोला था, तो लेट से 10 आवर्स लगते हैं, 10 आवर्स लगते हैं। अगर हम स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें, बोट्स एंड स्ट्रीम की बात करें, ट्रेन की बात करें, इसे भी लगभग 8 आवर्स लग जाते हैं, इसे भी लगभग कितने लग जाते हैं, 8 आवर्स लग जाते हैं। अगर हम पूरे अरिथमेटिक की बात करें, पूरे अरिथमेटिक की बात करें, ये वाला पूरा सेगमेंट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5, अगर हम पार्ट वाइज बात करें, पार्ट 1 की बात करें, +2 की बात करें, +3 की बात करें, +4 की बात करें, +4 की बात करें और +5 की बात करें, पार्ट 5 की बात करें, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट तक की बात करें, तो हमारा जो सेगमेंट है 15 घंटे, 5 20 घंटे, 20 5 25 घंटे, 25 10 35 घंटे, 35 10 45 घंटे, मतलब जो अरिथमेटिक का सेगमेंट है लगभग 45 आवर्स में कंप्लीट होगा। मतलब अरिथमेटिक की बात करें तो प्यारे बच्चों, अगर हम पार्ट 5 तक की बात करें तो लगभग 45 आवर्स में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और ढेर सारे क्वेश्चन हर टॉपिक से, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन उसके पीडीएफ के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 50 क्वेश्चन हर टॉपिक का उसके पीडीएफ के साथ। जब क्लासेस आपकी शुरू होंगी तो उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, उसके बाद मैं उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद, या फिर सेंचुरियन एकेडमी की बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको, उस बुक से आप सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब उसके बाद आता है एडवांस मैथ। अगर अरिथमेटिक की बात करें तो 45 घंटे में कंप्लीट होता है। अगर प्यारे बच्चों एडवांस मैथ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एडवांस मैथ CDS का, ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री में हम एक एक सेगमेंट वाइज पढ़ेंगे, जैसे लाइन एंड एंगल को पढ़ेंगे, फिर हम इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, सेंटर्स पढ़ेंगे। सेंटर्स क्या होता है, जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सब के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत टाइम टेकिंग वाला सेगमेंट है। फिर साइन रूल आता है, कोसाइन रूल,
साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू टू आर इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट के। फिर कोसाइन रूल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। इस तरीके से कोसाइन रूल हम पढ़ते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, सर्किल पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि क्या है, एडवांस मैथ का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि ज्योमेट्री का है। और इसमें इसमें ज्योमेट्री की बात करें तो लाइन एंड एंगल एक दो घंटे लेता है, लाइन एंड एंगल दो घंटे लेता है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल एक घंटे में कंप्लीट करा देंगे, सेंटर्स सेंटर्स तीन घंटे लगता है, सेंटर्स तीन घंटे लगता है, साइन रूल को साइन रूल दो घंटे लगता है प्यारे बच्चों, और सिमिलरिटी सिमिलरिटी लगभग दो घंटे लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी लगभग दो घंटे लगेगा, एंड मास पॉइंट ज्योमेट्री लगभग दो घंटे। अगर सर्किल की बात करें तो ये पाँच छः घंटे ले लेता है। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें प्यारे बच्चों तो दो एक तीन, तीन छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो पंद्रह पाँच बीस, लगभग 20 घंटे में आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट होगी। 20 घंटे में 20 से लेकर 25 घंटे में 20 से लेकर 25 घंटे में आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, कभी कभी 25 घंटे भी लग जाते हैं आपको। तो 25 घंटे में आपकी 20 से 25 घंटे में ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाती है। अगर हम अलजेब्रा की बात करें प्यारे बच्चों तो सिंपल अलजेब्रा पूछी जाती है CDS के एग्जाम में। तो सिंपल अलजेब्रा की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो सिंपल अलजेब्रा कम से कम 6 घंटे लग जाते हैं अलजेब्रा को पढ़ने में, 6 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में लगभग 8 घंटे लग जाते हैं, लगभग बच्चों कितने घंटे लग जाते हैं 8 घंटे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन 2D, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, अब रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर रेक्टेंगल, इस तरीके के क्वेश्चन, सर्किल के अंदर ट्रायंगल, सर्किल के बाहर ट्रायंगल, इन सर्किल और सरकम सर्किल, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लगभग 15 से लेकर 20 घंटे इसमें लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें एडवांस मैथ की तो 20 से 25 घंटे, लेट से मान लेते हैं 25 घंटे लगते हैं ज्योमेट्री में, हमें 25 घंटे हमें ज्योमेट्री में लगते हैं, और 6 घंटे हमें अगर हम पार्ट वाइज बात करें एडवांस मैथ के पार्ट वाइज बात करें तो पार्ट वन जो होता है प्लस पार्ट, अगर हम एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस मैथ कहाँ से शुरू है, पार्ट सिक्स से शुरू है, पार्ट सिक्स की बात करें, पार्ट सिक्स प्लस पार्ट सेवन की बात करें, अगर एडवांस मैथ की बात करें पार्ट सिक्स है तो इसमें पार्ट वन हो गया, टू हो गया, थ्री फोर फाइव, पार्ट वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स। अगर एडवांस मैथ की बात करें तो 20 से 25 घंटे आपको ज्योमेट्री में लग जाते हैं और 6 घंटे आपको अलजेब्रा में लग जाते हैं, 20, 25 मान लो 30 घंटे, 33 घंटे, 33 8 3 11 41 41 10 51, लगभग 50 घंटे आपको एडवांस मैथ में भी लग जाते हैं। तो आप मान के चलो आपको कुल मिलाकर अरिथमेटिक में 50 घंटे और एडवांस में 50 घंटे पढ़ने हैं तब आपका CDS एग्जाम क्लियर होगा। तो 100 घंटे का सेगमेंट है और 100 क्वेश्चन भी हैं और टाइम कितना है बच्चों, 2 घंटे है। तो बहुत अच्छा सेगमेंट है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस सेगमेंट को पढ़ के। और सबसे ज्यादा CDS का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडवांस मैथ होता है, क्या होता है बच्चों, एडवांस मैथ होता है। तो सभी बच्चे मेरे साथ बने रहिए, और मैंने आपको सिलेबस लिखा दिया है और सिलेबस को आपको देख लेना है और सिलेबस को नोट डाउन करना है। एक तरफ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट टू पढ़ेंगे, फिर पार्ट थ्री पढ़ेंगे, पार्ट फोर पढ़ेंगे, पार्ट फाइव पढ़ेंगे, पार्ट सिक्स पढ़ेंगे। पार्ट सिक्स क्या है हमारा, एडवांस मैथ है। तो प्यारे बच्चों आपको किस तरीके से पढ़ना है,
कौन सा अप्रोच लेके पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो और आईएमए में सीडीएस आईएमए में आपका सिलेक्शन हो। तो ये मास्टर प्लान था आपका, मास्टर प्लान टू क्रैक सीडीएस मैथ्स। तो आपको मास्टर प्लान समझ में आ गया होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, एडवांस मैथ होता है प्यारे बच्चों, तो एडवांस मैथ और हम ज्यादातर एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। एक टॉपिक अरिथमेटिक का लेंगे, फिर एक टॉपिक एडवांस का लेंगे, फिर एक टॉपिक अरिथमेटिक का लेंगे, फिर एक टॉपिक एडवांस मैथ का लेंगे। तो सभी बच्चे बने रहें हमारे साथ, मास्टर प्लान के साथ पढ़ाई करें आप और सीडीएस का एग्जाम क्रैक करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और मेरे साथ जुड़े रहिए आप। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। क्या आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं भारतीय सेना? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लाइव है सुनहरा अवसर। आप घर बैठे पाएं क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस, तैयारी करें इंडिया के एलाइट डिफेंस पैनल ऑफ टीचर्स के साथ। आज ही डाउनलोड करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी स्टूडेंट ऐप, जहां मिलेगा आपको पर्सनलाइज स्टडी एक्सपीरियंस, ई लर्निंग लेक्चर्स ऑफ रिक्वेस्टेड कोर्स, फ्री वीकली मॉक टेस्ट पढ़े हुए टॉपिक्स को टेस्ट करने के लिए, फ्री ई बुक्स एंड नोट्स आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। Learn anytime, anywhere with Team Centurion. Purchase Centurion Defense Academy student app for preparing NDA, SSB, CDS, AFCAT, MNS, Air Force XY and Navy. Special 50% off on Centurion Defense Academy student app due to COVID-19. For PIN, call at 97959-77776. Jai Hind!